गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस वालों के नाम से लूट का मामला सामने आया है, जहां दो शातिर एक राशन दुकान के संचालक को चूना लगाकर फरार हो गए थे। हालांकि दुकान संचालक के शोर मचाते ही आसपास खड़े लोगों ने आरोपियों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि लालपुर में प्रार्थी प्रदीप राठौर राशन दुकान का संचालक है। वह अपनी दुकान बंद कर बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तभी दो लड़के इसके पास आए और प्रार्थी को रोककर अपने आप को पुलिस वाला बताकर प्रदीप राठौर से 6,000 रुपए लूट लिए और घटना स्थल से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। तभी प्रदीप के द्वारा हल्ला करने पर आसपास के लोगों ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें पकड़कर डायल 112 टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस गौरेला थाना पहुंची। गौरेला पुलिस ने थाने में आरोपियों से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने जुर्म स्वीकार किया और लूटे हुए 6,000 रुपए को जब्त कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपी गुलाम अली निवासी बालाघाट और आबिद अली निवासी उमरिया मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पेंड्रा से न्यूज प्लस 21 के लिए अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। लगभग 4 बजे के आसपास अपना दुकान बंद करके नया बस स्टैंड लालपुर की ओर जा रहा था, तभी दो मोटरसाइकिल सवार आए और इसको रोक करके हम पुलिस वाले ऐसा बोलते हुए इसको धमकी देकर के इससे 6,000 रुपये नकदी जो है लूट करके भागने लगे थे, जिस पर प्रार्थी के द्वारा आस पड़ोस में हल्ला मचाया और इनका पीछा करके घेराबंदी करके इनको प्रवासन के जंगल में पकड़ लिया और 112 को फोन करके बुलाया। 112 वहां पर पहुंच करके इनको हिरासत में लेकर के थाने लाई, फिर प्रार्थी भी थाना पहुंचा, FIR दर्ज किए। उस ताज पर पाया गया कि ये ईरानी गैंग के सदस्य हैं जो उमरिया और बालाघाट के यहाँ कहीं पे आए हुए थे और कोई नहीं पहचानता, ऐसा सोच करके इन्होंने यहाँ पर लूट करने की योजना बनाई थी जो असफल नहीं पकड़ा।